हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। मालवीय नगर मार्केट में होली के मद्देनजर पुलिसकर्मियों ने किया पैदल मार्च। होली का त्यौहार नजदीक आते ही मार्केट पूरी तरह से सजने लगी है। दिल्ली की मार्केट में होली के त्यौहार से पहले ही रंग गुलाल पिचकारी की दुकान सजने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में जगह जगह दुकानों को सजाया जा रहा है। होली के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली के मालवीय नगर मार्केट में आज पुलिस ने पेट्रोलिंग की है। इस पेट्रोलिंग में एसीपी हरीश कुकरेती, एसएचओ दीपक सैनी, एएसआई अशोक, हेड कांस्टेबल मनोज, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र, कांस्टेबल दिलीप सहित थाने के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। साथ ही दुकानदारों को एक मैसेज भी दिया और उन्हें सचेत किया कि अगर कोई भी उन्हें भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो तुरंत पुलिस या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचित करें। साथ ही दुकानदारों से लड़ाई झगड़ा ना करने की अपील भी की है। होली पर्व को मनाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके चलते ही दिल्ली के मालवीय नगर मार्केट में पुलिस ने पैदल मार्च किया। साथ ही दुकानदारों को भी समझाया और उन्हें बताया कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखे तो तुरंत पास में जो पुलिस बूथ बनाए वहाँ पर आकर सूचित करें और किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में प्यार के साथ रहें। वही स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार मार्केट में त्योहारों के मद्देनजर पेट्रोलिंग की जाती है। पास ही पुलिस चौकी भी है। वैसे तो हमें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन त्योहार के समय भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस पैदल मार्च कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, तो काफी अच्छा लगता है। ग्राहक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और हमारे दुकानदारों को भी अच्छा लगता है कि हमारी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के जवान हमेशा तैयार रहते हैं। इसकी अच्छी व्यवस्था है, हर जगह चेकिंग हो रही है, सब कुछ है, बिल्कुल वो एक एक स्टॉल को देख रहे हैं, ना बम है ना कुछ है, उसकी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह डॉग स्क्वाड भी आता है वो मार्केट में, वो बिल्कुल देख रहे हैं, उनकी सुरक्षा बहुत अच्छी है। जिस तरीके से आप लोग दुकानदार हैं, आप लोगों को भी टेंशन होता है, कोई ग्राहक को दिक्कत न हो, पुलिस के घूमने से कितना फायदा होता आप लोग? उनको देखने से ही सुरक्षा महसूस होती है, उस वजह से बहुत ही अच्छा महसूस होता है। जो आते हैं कस्टमर्स भी और दुकानदार भी, वो सेफ होते हैं कि पुलिस है तो हमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। तो ये अच्छी बात है कि वो राउंडिंग करते हैं, बिल्कुल कंट्रोलिंग करते हैं, अच्छी बात है उसमें। सर व्यवस्था देखी जाए तो हमारे यहाँ वैसे ही हर त्योहारों पे अच्छी रहती है और अभी तक भी होली पे व्यवस्था अच्छी चल रही है। वीकडे पे क्या होता है कि थोड़ा बहुत रश कम होता है, बट वीकेंड आते आते रश थोड़ा बढ़ जाता है, तो पुलिस भी चौकन्ना हो जाती है। तो व्यवस्था ऑल ओवर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ देखने को लग रहा है, कहीं ना कहीं कोई किसी का सामान चोरी हो जाए या कुछ इस तरीके से, क्या पुलिस जो है हर वक्त रहते हैं? हाँ सर, पुलिस वाले उस चीज़ों के लिए देखते रहते हैं, इधर उधर चक्कर मारते रहते हैं, एक मार्केट से दूसरी मार्केट, ताकि ऐसी चोरी की किसी चीज़ की कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए, किसी का कस्टमर हो, किसी को भी दुकानदार, वो भी चौकन्ना रहते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। सभी भारतवर्ष में होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम मेन मार्केट मालवीय नगर व्यापार मंडल की ओर से हर साल होली का त्यौहार मनाते हैं और यहाँ पर हमारे यहाँ हर त्यौहार पे क्या स्टॉल लगाए जाते हैं। होली पर खासकर बहुत अच्छी रौनक होती है, हमारे कस्टमर जो है काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर हमारी मार्केट में आते हैं। तो ये रंगों का त्यौहार है, सबको आपस में मिलजुल कर रंगीन बनाना चाहिए। मैं सभी को कहता हूँ कि पूरा सौहार्द बनाए रखें भारतवर्ष के अंदर, जिससे कि हम हमेशा अच्छी से होली मना सके। तो हमारे यहाँ तरह तरह की दुकानें हैं, इसमें स्वीट्स भी है और जनरल स्टोर भी हैं। आज होली के त्यौहार पर यहाँ खूब खरीदारी हो रही है, गुजिया भी है, लड्डू भी है और बर्फी भी है, मिठास ही भरी हुई है। हम भी चाहते हैं कि सबके दिलों में हमेशा मिठास ही भरी रहे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।